हेलो मित्रों, जय माता दी। मित्रों, आज 28 मई गुरुवार का दिन है। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, आपको बताएंगे। आपके व्यापार करियर, उनसे जुड़े बहुत सारे ऐसे पहलुओं के बारे में जो कि आपके आने वाले दिनों को बेहतर बनाने में काफी लाभकारी साबित होंगे। मित्रों, आज के दिन कौन से क्षेत्रों में कार्य करें जिनसे कि आपको ज्यादा सफलता, आपके मान सम्मान स्कृति में बढ़ोतरी हो सकेंगे, आप अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन कर सकोगे, इसके लिए आज आप क्या करें क्या न करें, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है आपको बताएंगे। आज के दिन आपको कौन सी सावधानियां बरतनी आवश्यक होंगे और आज के दिन आपको कौन सी खुशखबरी प्राप्त हो सकती हैं तथा आपको बताएंगे कि आज के दिन आप किस प्रकार से समाज में अपने एक अलग छवि अलग पहचान स्थापित कर सकते हैं, किस प्रकार से समाज वाले घर वाले परिवार वाले आपके इज्जत प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी कर सकते हैं आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। उससे पहले आपको बता दें कि अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारियां आपको सही लगे, सत्य लगे और आपके जीवन में हमारे द्वारा बताई गई जानकारियों से आपको हल्का सा भी लाभ हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर आपको ऐसा कुछ ना प्रतीत हो तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी अवश्य कर दें, परंतु फिर भी आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको आज के दिन को लाभकारी बनाने के और अपने व्यापार व्यवसाय में नई गतिविधियों को जानने के मौके मिल सकेंगे। मित्रों, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। तो मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपके लिए आज का दिन काफी शानदार रहेंगे, आज का दिन आपके लिए काफी अच्छे होंगे। आज आपके पास निकट और प्रिय लोगों के साथ अपनी मानसिकता को साझा करने का समय हो सकता है। आप अपने करीबी लोगों के साथ अपने सोच अपने सकारात्मक रवैये को शेयर कर सकोगे। प्रेम संबंधों में लुप्त जातक अपने साथी के साथ भावनात्मक परिवेश में एक नया समीकरण को विकसित कर सकते हैं। आज आप अपने लवर या प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों को बेहतर कर सकते हैं जिनसे आपका रिश्ता काफी अच्छे होंगे, आपका रिश्ता काफी सुखद बनेंगे और आपके बीच चल रहे पारिवारिक कलेश भी आसानी से दूर होंगे। मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज व्यावसायिक गतिविधियों में काफी प्रगति होंगे, व्यापार व्यवसायियों को लाभ कमाने के मौके मिल सकते हैं, आपको आपके कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। मित्रों, जो लोग प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं या इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं, वे आज के दिन अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आर्थिक रूप से आपका यह समय उत्कृष्ट रहेंगे। आज आप लोगों में से कुछ लोग विदेशी संपर्कों द्वारा भविष्य में लाभ कमा सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थितियों में सुधार होंगे, परिवार में पैसों से जुड़ी कई प्रकार के सुख सुविधाओं की प्राप्ति होंगे। आज प्रियजनों के साथ बिताया गया समय आपके लिए आनंददायक रहेंगे, आप अपने दाम्पत्य जीवन में खुशियों की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए अब बात करें व्यापारिक यानी व्यापारियों के लिए। तो मित्रों, मिथुन राशि वाले व्यापारियों के लिए व्यवसायियों के लिए आज का दिन काफी अच्छे रहेंगे। व्यवसायिक संदर्भ में आज के दिन आप काफी अच्छा महसूस कर सकोगे, आपके पास बहुत अधिक काम होंगे, आज कामकाज को बेहतर ढंग से डील करने में मौके मिल सकते हैं। आज व्यवसायिक आर्थिक सामाजिक प्रतिबद्धता का आपके आदेशों पर एक मजबूत और काफी महत्वपूर्ण इफेक्ट पड़ सकता है। आज के दिन व्यापारियों को ग्राहकों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के मौके मिलेंगे, आप अपने ग्राहकों के साथ अच्छे संबंधों को बना सकते हैं जिनकी वजह से मिथुन राशि वाले व्यापारियों को लाभ कमाने के मौके मिल सकते हैं। आज आप कहीं निवेश इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं और कोई नया व्यापार व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं जो आपके लिए काफी लाभकारी
जारी रहेंगे। आज के दिन आपको काफी ज्यादा लाभ हो सकेंगे। भाई बहनों से आपको व्यापार व्यवसाय में अप्रत्याशित स्थितियों में लाभ कमाने के मौके दिला सकता है। आज के दिन आपको कई प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति हो सकती है। मित्रों बात करें स्वास्थ्य के, तो मिथुन राशि वाले जातकों के स्वास्थ्य आज का दिन थोड़ा सा बेचैन करवा सकता है। आज के दिन आपको स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं और कुछ अघनिष्ठ घटनाएं भी घट सकती हैं जो कि आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों को ध्यान रखने होंगे। आज के दिन आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आज आप किसी पुरानी बातों को लेकर सहयोगियों से बहस कर सकते हैं। अतः आपको सावधानी से काम लेकर विवादों को टालने का प्रयास करने चाहिए। निजी जीवन में भी आपकी परेशानियां दूर हो सकेंगे। आपके जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानियां वे आज के आज दूर होंगे। आज के दिन आप अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकोगे। आज आप किसी भी पुरानी बात को लेकर सहयोगियों के साथ बहस न करें। सावधानी से काम लेकर विवादों को दूर करने का, विवादों को टालने की कोशिश आप अवश्य करें। आज के दिन आपको अपने जीवन साथी के साथ बेहतर संबंधों को बनाने की कोशिश करनी होंगे। आपको समझने और सोच को समझने का प्रयास करने होंगे। किसी भी प्रकार के वैचारिक मतभेदों को आप बात का बतंग न बनाएं, अन्यथा आपको कई प्रकार की दुविधापूर्ण स्थितियों से भी गुजरना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में आपके दरार उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आज के दिन आपको शांत रहने की आवश्यकता रहेंगे। आप अपने या संतान की शिक्षा को लेकर थोड़े से चिंतित रह सकते हैं। आज मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपको अपने काम काजों और कार्यों में सफलता मिलेंगे। आज आपको क्रोध पर बचकर रहने की जरूरत रहेंगे। क्रोध न करें और आपको अपनी वाणी पर भी संयम रखने होंगे, अन्यथा आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। ऐसे में आज अगर आप अपनी वाणी को सुधार सकोगे, व्यवहार में परिवर्तन कर सकोगे, तो आपके बिगड़े कार्य भी आसानी से बन सकेंगे। आपकी आमदनी निरंतर बनी हुई रहेंगे, किंतु आपका आशा के अनुरूप ज्यादा खर्च हो सकते हैं, जिनसे आपको थोड़ी सी परेशानियां भी अनुभव हो सकती हैं। मित्रों मिथुन राशि वाले जातकों को अपने खर्चों पर अंकुश लगाना जरूरी रहेंगे। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बेफजूल के कार्यों में अपना जाया न करें। आज के दिन खान पान को स्वादिष्ट बनाने की कोशिश करें और स्पाइसी चटकटे मसालेदार भोजन न करें। आज के दिन बाहरी खानों से परहेज रहें। पारिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन के लिए आप कहीं घूमने जा सकते हैं। आप जहां भी जाएं, अगर आप कोई यात्राएं करनी हैं, बस या फिर ट्रेन से आप यात्राएं कर रहे हैं, तो आज के दिन खान पान का विशेष ध्यान रखने की कोशिश करें। आज के दिन आप समय पर पानी पीने की कोशिश करें और आप बाहरी पानी को ना पिए, अन्यथा आप को एलर्जी हो सकती है। सर्दी खांसी आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसे में मिथुन राशि वाले जातकों को धैर्य रखने होंगे। व्यवसायिक संदर्भ में नए व्यापार संबंधों और सौदों को अंतिम रूप देने के लिए आज के दिन तैयार रहने होंगे। कार्य संबंधी यात्राएं और सहयोग आने वाले महीनों में सकारात्मक परिणाम देंगे। आज मिथुन राशि वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो कि महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं और खुद को प्रभाव साली बना सकते हैं, जिनसे समाज में आपका मान सम्मान इज्जत पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होंगे। आपको अपने समाज में अपने एक अलग छवि अलग पहचान बनाने के मौके मिलेंगे। आज प्रेम संबंधों के मामलों में आप काफी भाग्यशाली रहेंगे। विवाहित जातकों के लिए आज के दिन आवेगों के कारण जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है। ऐसे में आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, बेफजूल के बात का बतंग न बनाएं, आप किसी भी प्रकार के शकुंभन में पनपने ना दें। ऐसे में छोटी छोटी बातों को लेकर आप किसी भी प्रकार के असंगत फैसले न लें। मित्रों मिथुन राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज आपके पास नए अवसर होंगे। आप उन अवसरों का उपयोग करके लाभ को प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार वित्तीय समृद्धियों का आश्वासन आज के दिन आपको प्राप्त हो सकते हैं। आज के दिन अगर आपको पुरुषों के संपत्ति या आपके खानदानी संपत्ति जमीन जायदाद को लेकर किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े वाद विवाद चल रहे हैं,
तो उन्हें आज आप काफी आसानी से हल कर सकोगे। आज के दिन मित्र राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आज आप अपने परिवार के साथ सीधे टकराव से बचने की कोशिश करें। आपको समझदारी से काम करने के जरूरत रहेंगे। समझदारी समझौतावादी रवैया अपनाने की कोशिशों को करनी चाहिए। आज के दिन आपको अपने स्वास्थ्य का देखभाल अवश्य करनी होंगे। आज कई प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो मित्रों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन कई प्रकार के नए और काफी अच्छे सुनहरे अवसरों को लेकर आ रहा है। इन अवसरों का उपयोग करने की अवश्य ही कोशिश करें। आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां बिंदुवासिनी।